खबर सीकर के लक्ष्मणगढ़ से है, जो नेशनल हाईवे 52 पर अखिल भारतीय ढाका परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलाल ढाका सहित पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। इसके बाद परिवार के पदाधिकारी सालसर बालाजी दर्शन के लिए रवाना हुए। संरक्षक रामनिवास ढाका ने कहा कि परिवार के प्रतिभावना छात्र छात्राओं को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से अखिल भारतीय ढाका परिवार समूह का गठन किया गया है। बाबूलाल जी ढाका और इनकी पूरी टीम जो है, हमारे सुनील जी वीडियो साहब, पूरी टीम ने ये तय किया आज से 4 साल पहले कि हमें अखिल भारतीय ढाका परिवार के जो भी मेंबर्स, जो भी सदस्य पूरे देश के अंदर फैले हुए हैं, उन सबको एक जगह करना है और आपस में एक दूसरे की विकट परिस्थितियों में उसकी मदद करके हमारे प्रतिभावान बच्चों को आगे बढ़ाएं, उनको आगे ले जाएं। ये उद्देश्य और ये सोच लेके हम